हेलो एवरीवन, इस लेसन के अंदर मैं आपको थ्री फेस इंडक्शन मोटर के बारे में बताऊंगा कि कैसे उसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, कैसे रोटर उसके अंदर रोटेट होता है, घूमता है। ये मैं आपको सिंपल वे से, इजी वे से बताऊंगा ताकि ये आपको अच्छा लगे और ये आपके काम भी आए। और इसके अलावा इस सीरीज में मैं आपको डीसी मोटर, डीसी मोटर ड्राइव, सर्वो मोटर, सर्वो मोटर ड्राइव, स्टेपर मोटर और स्टेपर मोटर ड्राइव के बारे में भी वीडियोस बनाऊंगा। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, आप को कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। और अगर ये आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो जैसे इसके नाम से ही पता लगता है, ये थ्री फेज एसी पावर सप्लाई से ऑपरेट होती है। इसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक स्टेटर और एक रोटर। स्टेटर पार्ट के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है जिससे रोटर रोटेट होता है, मूव होता है। ये सब कैसे होता है देखिए, ये स्टेटर का डायग्राम है। स्टेटर जो है वो स्थिर पार्ट होता है, स्टेबल पार्ट होता है और ये मोटर फ्रेम के अंदर प्रॉपरली फिक्स्ड होता है। इंडक्शन मोटर का स्टेटर लेमिनेटेड स्टील से बना होता है और इसके अंदर ये स्लॉट्स बने होते हैं और इन स्लॉट्स में कॉपर की वायर के साथ वाइंडिंग करते हैं। देखिए कैसे। तो सबसे पहले ये थ्री फेस इंडक्शन मोटर है तो इसमें तीन फेस के लिए अलग अलग वाइंडिंग होती है, फेस वन के लिए वाइंडिंग, फेस टू के लिए वाइंडिंग और फेस थ्री के लिए वाइंडिंग। अब आप ये सैंपल डायग्राम देखिए, हमने फेस वन के लिए कॉपर की वायर ली, उसको एक जो स्लॉट है वहां पे वाइंड किया, फिर उसका जो दूसरा स्लॉट है वहां पे हमने उसको वाइंड किया और दो सिरे हमारे पास इसके बाहर आ गए। इसी तरह फेस टू के लिए भी हम वाइंड करेंगे एक स्लॉट पे, फिर उसके दूसरे स्लॉट पे, और इसी तरह फेस थ्री के लिए भी वाइंड करेंगे। अब हमने यहां पे हर एक फेस को दो बार वाइंड किया तो इसका मतलब ये हुई टू पोल की मोटर। यानी पोल क्या होता है मोटर के अंदर, कि आपने एक फेस के लिए कितनी बार वाइंडिंग की है वो बताता है। अगर फोर पोल की मोटर है तो इसका मतलब ये है कि आपने ये वाइंडिंग चार बार की है। तो पोल का कॉन्सेप्ट आपको यहां से पता लगा। अब आगे देखिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। अब ये थ्री फेस एसी इंडक्शन मोटर है तो थ्री फेस सप्लाई आपको यहां पर कनेक्ट करनी है इसको ऑपरेट करने के लिए, इसको रन करने के लिए। आप तीन फेस की छह वायर आपके पास बाहर आ जाएंगी, ठीक है, फेस वन की वाइंडिंग की, फेस टू की वाइंडिंग की और फेस थ्री की वाइंडिंग की, तीनों की दो दो वायर आपके पास बाहर आ गई, दो दो सिरे आपके पास बाहर आ जाएंगे। फिर आप इसको स्टार में या स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप वहां पे इसको कनेक्ट कर सकते हो। अब आपने थ्री फेस सप्लाई इस पे कनेक्ट कर दी, आपने क्या किया, फेस वन को फेस वन की वाइंडिंग के साथ, फेस टू को फेस टू की वाइंडिंग के साथ और फेस थ्री को फेस थ्री की वाइंडिंग के साथ आपने इसको कनेक्ट कर दिया। जब एसी सप्लाई वाइंडिंग से निकलती है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन पे। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा, आप इसको वन बाय वन देखते जाइए, आपको ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छी तरह से पता चल जाएगा। अब ये आपकी एसी साइन वेव है, ये आपकी जीरो से पॉजिटिव पीक, फिर जीरो, फिर नेगेटिव पीक और ये जीरो, इस तरह अपना पूरा एक साइकिल कंप्लीट करती है। यानी ये पॉजिटिव जोन में भी होती है, नेगेटिव जोन में भी होती है और जीरो जोन में भी होती है। अब ये जीरो से 360 डिग्री ये पूरा एक साइकिल होता है और एक सेकंड में इतने जितने साइकिल पूरे होते हैं वो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। अब आपने थ्री फेस सप्लाई कनेक्ट की हुई है मोटर के साथ। अब आप मान लो कि आपका जो फेस वन की वाइंडिंग है वहां पे अभी पॉजिटिव साइकिल है आपकी एसी सप्लाई का, तो जो फेस वन का ए पोल है वहां पे बनेगा नॉर्थ पोल और जो बी पोल है वहां पे बनेगा साउथ पोल। अब जैसे ही एसी सप्लाई का साइकिल चेंज होगा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके पोल भी चेंज हो जाएंगे, ये आपको अभी आगे डिटेल से बताऊंगा। देखिए अब ये आपका थ्री फेस सप्लाई है, थ्री फेस सप्लाई के अंदर तीनों फेस की जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम होती है, वोल्टेज लेवल भी सेम होता है। इनमें डिफरेंस ये होता है कि इनके बीच में 120 डिग्री का फेस डिफरेंस होता है, यानी कि जिस पोजीशन पे फेस वन है उस पोजीशन पे फेस टू 120 डिग्री के बाद होता है और फेस थ्री फेस टू से 120 डिग्री के बाद होता है।
आप थ्री फेज एसी सप्लाई स्टेटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाती है ये आप देखिए। अब आप जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट पॉइंट है, वहां पे देखिए जो फेस वन है वो जीरो पे है, तो जो इसकी वाइंडिंग है फेस वन की, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई मैग्नेट नहीं बनेगा। फेस टू अभी नेगेटिव है, तो जो फेस टू का ए पोल है वो साउथ पोल बनेगा और जो बी है वो नॉर्थ पोल बन गया। अब फेस थ्री पॉजिटिव है, तो जो ए पोल है वो आपका नॉर्थ पोल बन गया और जो बी पोल है वो आपका साउथ पोल बन गया। अब नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस अपने नियरेस्ट साउथ पोल की तरफ जाती हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड आपका बन जाता है। अब हम देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट पोजीशन है, हम देखते हैं 60 डिग्री के बाद पॉइंट टू पर। अब यहां पे फेस थ्री जीरो है, तो यहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा फेस थ्री की वाइंडिंग में। फेस वन पॉजिटिव है, तो ए पोल जो है वो बन गया नॉर्थ और बी बन गया हमारा साउथ। इसी तरह फेस टू नेगेटिव है, तो फेस टू ए हमारा बन गया साउथ और फेस टू बी बन गया नॉर्थ। और अब हमारी मैग्नेटिक लाइन है वो इस तरह बनेगी। तो इसी तरह हमारा जो करंट है, जो हमारी एसी सप्लाई है थ्री फेस, वो अपनी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग इस तरह रोटेट करती रहती है, चलती रहती है, और उससे नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल चेंज होते रहते हैं इसी तरह, और एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारा बन जाता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह स्टेटर के अंदर रोटेट करता रहता है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। एक चीज आप ध्यान रखना कि जो थ्री फेज सप्लाई होती है उसमें फ्रिक्वेंसी सेम होती है तीनों फेज की, वोल्टेज का जो लेवल होता है वो भी सेम होता है, डिफरेंस केवल उनमें फेज डिफरेंस का होता है, और उसी फेज डिफरेंस के कारण ये हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। चलिए अब देखते हैं कि रोटर कैसे रोटेट होता है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में मोस्टली हमारा स्क्विरल केज टाइप का जो रोटर होता है वो यूज होता है। ये लेमिनेटेड स्टील का बना होता है, इसके दोनों तरफ एंड रिंग्स होती हैं जो कि इंटरनल कनेक्टेड होती है हमारी कंडक्टर बार के साथ, यानी ये मैकेनिकल भी कनेक्टेड होता है और इलेक्ट्रिकली शॉर्ट होता है, इनके बीच में ये कंडक्टर बार होते हैं। अच्छा, जो हमारी बड़ी मोटर्स होती हैं उनके अंदर ये एंड रिंग्स और जो ये बार कंडक्टर है ये हमारे कॉपर के बने होते हैं, लेकिन जो छोटी मोटर्स होती हैं उनके अंदर ये एल्यूमिनियम के भी बने होते हैं। रोटर प्रॉपरली फिट होता है स्टेटर के अंदर। रोटर शाफ्ट पे बैरिंग लगे होते हैं और मोटर फ्रेम के अंदर बैरिंग के लिए स्लॉट बना होता है जिसके अंदर बैरिंग प्रॉपरली फिट हो जाते हैं। अब बैरिंग का बेनिफिट ये होता है कि रोटर प्रॉपरली फ्रीली रोटेट कर पाता है। अब देखिए, स्टेटर के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो कट होता है रोटर कंडक्टर के द्वारा, जिससे ईएमएफ इंड्यूस होता है और कंडक्टर और एंड रिंग के अंदर करंट फ्लो होता है, तो रोटर के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करता है जिससे रोटर रोटेट करने लगता है। अब देखिए सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड सिंपली इंडिकेट करती है स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को, और सिंक्रोनस स्पीड होती है 120 इंटू एफ, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल कि आपकी मोटर कितने पोल की है। अब एक टाइम और आती है स्लिप। स्लिप हम बोलते हैं स्टेटर के अंदर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी और जो रोटर की रोटेटिंग स्पीड होती है उसमें जो डिफरेंस होता है हम उसको स्लिप बोलते हैं, और स्लिप को परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट करते हैं, और इसका फार्मूला है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो इसको आप इस फार्मूले से परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके आप चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।